अगली खबर कानपुर से है। कल्याणपुर में दबंगों का कहर जारी। रंगदारी के चलते व्यापारी की जमीन और दुकान पर दबंगों का कब्जा। पीड़ित ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। पूरा मामला कानपुर के पनकी रोड पर बनी मार्केट का है। व्यापारी की दुकानों पर अब दबंगों का ताला लटका हुआ है। देखे खबर। भैया क्या नाम है आपका? क्या पूरा क्या प्रकरण बताएंगे इस बारे में? मैंने प्रॉपर्टी एक खरीदी थी जी, आज के करीब 5 महीने पहले। उस प्रॉपर्टी पर कब्जा भी हमको पूरा मिल गया था, मगर क्षेत्र के ही कुछ लोग हैं, उनका नाम है विजय बहादुर सिंह और उनके बेटे शैलेंद्र सिंह जी और सिप्पू सिंह, वो उन्होंने हमारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया जी। इसकी कहीं शिकायत करी आपने? हाँ, चौकी में आज हम अभी दे के आए जी। क्या आश्वासन मिला, क्या बता रहे हैं आपसे? चौकी में ये आश्वासन मिला है कि इंस्पेक्टर साहब कचहरी गए हैं, वहाँ से वापस आने के बाद बात होती है। और भैया इसके अलावा और कोई बात हुई उन लोगों से आपकी? पूरी मार्केट पर हमारा अपना कब्जा था, उस पर ताले पड़े हुए थे जी। उन लोगों ने परसों रात पे हमारी मार्केट के ताले उन्होंने काट दिए और अपने ताले उन्होंने डाल दिए। मतलब कि जो आपके दुकानों में आपके ताले लगे हुए थे उन्होंने वो काट दिए जी। इसकी शिकायत नहीं की आपने कहीं? शिकायत अभी हम बाहर गए हुए थे एक हफ्ते के लिए दिल्ली में थे जी। अभी आज हम सुबह ही वापस आए हैं, तो जब वहाँ पर हमको जानकारी हुई फोन के माध्यम से हमको सूचना मिली थी, तब हमने जाके वहाँ पर देखा जाके तो ताले सब कटे हुए पड़े थे और दूसरे ताले उनके नहीं पड़े हुए थे। हम गए चौकी में जाके हमने शिकायत की, चौकी इंचार्ज ने मौका मुआयना करके वो चले गए। अभी आपकी क्या मांग है प्रशासन से? प्रशासन से हम बस यही चाहते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी और हमको दिलवाई जाए। इसके कोई डॉक्यूमेंट वगैरह हैं आपके पास? जी हाँ, मेरे पास ये उसकी रजिस्ट्री है। रजिस्ट्री आपके नाम पे है जी? हमारे और हमारे पार्टनर गोपी ज्वेलर्स जी। ठीक।